हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस जनरल श्रीवास्तव। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड वी कैन से द थेल्स थ्योरम। द क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द एग्जाम बाय दिस स्टेटमेंट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। This is the question or the we can say the theorem of the class 10th, the chapter 6, okay, where we studied about the BPT, okay, similarities of triangle. So how to prove it? Look it carefully. First make a triangle. Okay, and draw a, if a line is drawn parallel to the one side of a triangle, this is a triangle and this is a line parallel to the other side, the other two side in distinct point. Okay, suppose that this is a triangle ABC and the parallel line is D and E. D. If a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two side at distinct point, other two side means these two side, the other two sides are divided in the same ratio. So what we have to prove, AD upon DB is equal to AE upon AC. Okay, so we can write here, we need to prove that, what we need to prove, that AD upon DB is equal to AE upon AC. Got it? Now, how to prove? So, first do the construction. Some part of the construction. So, we can write, draw okay, draw the perpendicular. इसको क्या करना है? Perpendicular draw करना है. तो इसको name देता हूँ मैं N. Okay. और ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा M. गॉट इट? सो ड्रा EN परपेंडिकुलर ऑन AD एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AE. व्हाई वी आर ड्राइंग द परपेंडिकुलर? बिकॉज वी नो द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज अ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो लेट्स स्टार्ट टू प्रूफ इट. कैसे प्रूफ करना है देखिए ध्यान से. सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल. सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इसका एरिया निकालेंगे. तो इन ट्रायंगल ADE, ओके, इन ट्रायंगल ADE. सो व्हाट विल बी द एरिया? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दिस विल बी इक्वल टू हाफ बेस. अगर हम इस वाले को हाइट लेंगे तो ये बेस होगा, ठीक है. दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस. सो हाफ बेस, बेस इज अ AD एंड हाइट यहाँ पे क्या हो गई? ये. गॉट इट? सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. क्लास 9th में आपने पढ़ा है एरिया की शॉर्ट फॉर्म AR हम लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, इसी तरीके से आपको इस तरीके से लाइन ड्रा करनी है, कंस्ट्रक्शन कर लेना है, ठीक है. अब हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है BDE. अब BDE का एरिया कैसे निकलेगा? एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. तो BDE के लिए बेस देखिए, देखिए इसका जो शेप बना हुआ है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ बेस. BDE के लिए अगर ट्रायंगल BDE को ड्रा कर लें यहाँ से, देखिए इस तरीके से ट्रायंगल ड्रा हुआ है, ठीक है, BDE. तो इसकी जो हाइट होगी, दिस विल बी द हाइट, ठीक है. दिस इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. सो हाफ बेस, बेस अगर देखें इसमें तो बेस हमें कौन सा मिलेगा? BD. दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल BDE एंड हाइट इसकी क्या होगी? EN. गॉट इट? अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो डिवाइड 1/2. सो वी कैन राइट इट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. दिस विल बी रिटन
हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ बी डी इंटू ई एन. सो ई एन ई एन विल बी कैंसिल आउट एंड हाफ विल बी ऑल्सो कैंसिल आउट. सो दिस विल बी ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ए डी अपॉन बी डी. गिव इट इक्वेशन नंबर थर्ड. क्लियर. नाउ सिमिलरली फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें. लिखेंगे सिमिलरली वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई. ए डी इसका एरिया निकालेंगे तो अब हमें ये वाला हाइट लेना है, ये हाइट लेनी है और ये बेस लेना है. तो यहाँ से क्या होगा एरिया ऑफ हाफ, बेस यहाँ पे क्या है ए ई और इनटू हाइट इसकी क्या है डी एम. क्लियर. इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फोर. फिर ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी डी ई सी. सो दिस विल बी हाफ बेस, बेस यहाँ पे कितना ई सी इंटू हाइट इसकी कितनी. अब देखिए डी ई सी के लिए हाइट तो ये डी एम होगी तो इंटू डी एम एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फाइव. क्लियर. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज सो वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई. ए डी ई इज अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी. ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम. ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम. ई सी इंटू डी एम वी कैन राइट हेयर फ्रॉम वन एंड सॉरी फिफ्थ. दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके फोर्थ एंड फिफ्थ. सो हाफ ऑफ कैंसिल आउट डी एम ऑल्सो कैंसिल आउट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. वी कैन गिव इट इक्वेशन नंबर सिक्स. ओके सो फ्रॉम नाउ लिसन मी केयरफुली. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग. सो दिस इज अ यू कैन सी दिस इज द एरिया ऑफ ए डी ई, दिस इज द एरिया ऑफ बी डी. इस वाले में देखेंगे एरिया ऑफ ए डी और डी ई सी. सो एरिया ऑफ बी डी और डी ई सी डिफरेंट लग रहे हैं तो इसी को हमें क्या करना है इक्वल करना है. अब इस फिगर को ध्यान से देखेंगे. इस फिगर को देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एरिया दीज बोथ ट्रायंगल स्टैंड ऑन द सेम बेस. क्लास नाइन्थ की थ्योरम है ये कि इस तरीके से अगर ट्रायंगल है और सेम बेस पे अगर स्टैंड कर रहे हैं तो उन दोनों का एरिया क्या होता है इक्वल होता है. सो वी कैन राइट डी ई सी सॉरी बी डी ई एंड डी ई सी. सो वी कैन राइट ट्रायंगल बी डी ई बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी बोथ स्टैंड ऑन सेम बेस. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी. क्लियर. सो फ्रॉम दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड द सिक्स. सो अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं. अभी ये दोनों आप देखिए बी डी ई एंड डी ई सी बोथ इक्वल. तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख के दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बी डी ई की जगह पे जब आप डी ई सी रखेंगे तो ये भी बी डी ई हो जाएगा और इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं. तो यहाँ से हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. गॉट इट. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव. सो दिस वन हैव प्रूव. सो हैंस प्रूव्ड. ओके सो दिस इज़ अ बी पी टी और वी कैन से दिस इज़ अ थेल्स थ्योरम. तो इसके थ्री नेम है. एक ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इसी को बी पी टी बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसका दूसरा नेम क्या है थेल्स थ्योरम. और एक बात इसी वीडियो में समझ लीजिए
देखिए इस ट्रायंगल की बात अगर करें, सो ए बी सी और दिस इज़ द पैरेलल टू द बी सी, दिस वन इज़ अ पैरेलल। सो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ ये इस तरीके से प्रूव कराएगा ए डी अपॉन ए बी, क्या है ये ट्रायंगल है और एक ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी और ए बी सी, तो ये दोनों सिमिलर हमें प्रूव करने, तो सिमिलर की प्रॉपर्टीज होती है वो ये प्रॉपर्टी है कि द साइड द रेशियो ऑफ द साइड शुड बी इक्वल सॉरी सेम एंड द एंगल शुड बी इक्वल। तो एंगल यहाँ से इक्वली कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आप देखेंगे ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर की कंडीशन यही कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। सो यहाँ से ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी प्रूव करना होता है। तो ये कैसे आएगा, तो देखिए ए डी अपॉन बी डी लिखा हुआ है, ए डी अपॉन बी डी लिखा हुआ है, तो ए डी में अगर बी डी ऐड करते हैं तो ए बी मिल जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए रेसिप्रोकल, ठीक है, इस वाले को लिखिए फ्रॉम दिस वन, ऐसे लिखिए इसको लिखिए बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए, क्लियर। अब इसमें क्या कीजिए, वन जो है वो बोथ साइड ऐड कर लीजिए, एडिंग वन ऑन द बोथ साइड, तो ए डी प्लस बी डी अपॉन में क्या होगा ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए अपॉन में क्या हो जाएगा ए, क्लियर। ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी बिगन राइट इट ए बी और ए डी तो अपॉन में लिखा हुआ है, ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए दिस विल बी ए सी और ये हो गया ए, क्लियर। नाउ वी कैन अगेन रेसिप्रोकल इट, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, क्लियर। तो इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करके दिखाएंगे। दिस इज़ अ एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।